इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप लोग सारे चाइनीज़ ऐप को बायकॉट कर रहे हो, अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर रहे हो, तो उसके बदले में आप लोग कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा उसका अल्टरनेटिव जो एप्लीकेशन है आप लोग यूज़ करोगे, और उस एप्लीकेशन को जो आप चाइनीज़ एप्लीकेशन है अपने फ़ोन से हटा रहे हो, तो उसके बदले में आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो जो कि उस एप्लीकेशन का, उस चाइनीज़ एप्लीकेशन का अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बारी बारी से उन सारे एप्लीकेशंस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं उन एप्लीकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉप ऐप्स मेड इन चाइना एंड देयर अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टिकटॉक, इधर जो लेफ़्ट साइड में सारे चाइनीज़ ऐप हैं, और इधर जो सारे एप्लीकेशन आपको दिख रहा है वो सारे इसके अल्टरनेटिव्स ऐप्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टिकटॉक आपको दिखने को मिल जाएगा, रोप्सो, डब स्मैश और फनीमेट। तो आप लोग टिकटॉक के बदले में इन तीनों को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेलो ऐप, जो कि एक चाइनीज़ ऐप है, इसके बदले में आप लोग मित्रो, डब स्मैश, फनीमेट डाउनलोड कर सकते हो। लाइकी के बदले में भी आप सेम यहाँ पे इस एप्लीकेशन तीनों में से कोई डाउनलोड कर सकते हो। केवाई के बदले में भी आप इन तीनों में से कोई कर सकते हो। अब अगर आप यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हो और अपने यूसी ब्राउज़र अनइंस्टॉल कर दिया है, तो आप लोग उसके बदले में फायरफॉक्स, ब्रेव और क्रोम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है ब्यूटी प्लस, जो कि एक ब्यूटी प्लस जो है कैमरा वाला एप्लीकेशन है, वहाँ से आप लोग उसको जगह पे पिक्सआर्ट भी यूज कर सकते हो। आप लोग जो एपलॉक यूज़ करते हो उसके जगह पे नॉर्टन एपलॉक यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कैम स्कैनर, तो कैम स्कैनर के बदले में आप लोग जोहो स्कैनर, जो कि एक इंडियन एप्लीकेशन, या फिर एवॉर्ड स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, कोई भी यूज कर सकते हो कैम स्कैनर के बदले में। उसके बाद यहाँ पे आपको गेम्स देखते हैं, जो गेम कौन कौन से हैं, जो चाइनीज गेम्स हैं जिसके बदले में आप लोग उसका अल्टरनेटिव एप्लीकेशन डाउनलोड करके दूसरा गेम खेल सकते हो। तो पबजी के बदले में आप फोर्टनाइट खेल सकते हो, क्लैश ऑफ किंग के बदले में आप एम्पायर एंड एलियंस खेल सकते हो, मोबाइल लीजेंड्स के बदले में आप मार्वल सुपर वार खेल सकते हो, और लूडो के जगह पे आप लूडो किंग खेल सकते हो, जो कि एक इंडियन एप्लीकेशन है। अब जहाँ पे जिस एप्लीकेशन से आप लोग शॉपिंग करते हो, तो उसमें देखते हैं कौन कौन से सभी चाइनीज एप्लीकेशन है जिसके बदले में आप लोग उसके अल्टरनेटिव एप्लीकेशन से यूज कर सकते हो। तो रोमियो जो है उसके बदले में एजियो डाउनलोड कर सकते हो, सेन के बदले में लिमरो डाउनलोड कर सकते हो, अली एक्सप्रेस के बदले में आप टाटा CLIQ और अमेजन और फ्लिपकार्ट यूज कर सकते हो, अलीबाबा की जगह पे इंडिया मार्ट, क्लब फैक्ट्री की जगह पे मिंत्रा, पेटीएम मॉल, अमेजन, फ्लिपकार्ट कोई भी यूज कर सकते हो, और जूम के बदले में आप लोग जोहो मीटिंग, गूगल या फिर गूगल हैंगआउट्स यूज कर सकते हो। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशन हैं जिसको, मतलब अगर आप लोग चाइनीज़ एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से हटा रहे हो, अनइंस्टॉल कर रहे हो, तो आप उसके बदले में इन सारे एप्लीकेशंस में से कोई, अगर गेम हटा रहे हो तो उस एप्लीकेशन के बदले में उस गेम को, शॉपिंग के लिए जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो उसमें अल्टरनेटिव इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, और बाकी जो नॉर्मल एप्लीकेशन है कैम स्कैनर, ब्यूटी प्लस, इनके बदले में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लैब, एवॉब स्कैन या फिर कोई भी इसमें से देख के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो, और अच्छे से सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन को बायकॉट कर सकते हो।